सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को राम राम। आज हम पढ़ेंगे या लिखेंगे टवर्क। हमने कल चवर्ग लिखा था, पूरे पांच अक्षर लिखे थे। आज हम टवर्ग लिखेंगे और टवर्ग के भी पूरे पांच अक्षर हम लिखेंगे। और ये भी हमारा ग्राफ वही है जो हमने कल बनाया था। हम यहीं से इसको शुरू करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ट बनाने के लिए हम ये लाइन पूरी ब्लॉक कर देंगे। यहाँ से इसको इस तरह से ऐसे बनाएंगे। अब हमने ट बनाना है तो यहाँ से हम इस तरह से बनाएंगे। ये पूरी लाइन हम ब्लॉक कर देंगे। नीचे को हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह ये यहाँ तक आएगा, 7 तक आएगा। तो ये हमारी जो लाइन है ये हम यहाँ से इसको ऊपर लगा देंगे इस तरह से। ये आगे तक यहाँ तक हम इसको ऊपर ऐसे इसको यहाँ बढ़ा देंगे। तो यहाँ से हम इसको सीधा यहाँ मिला देंगे 3 के साथ ऐसे। अब तो ये जो आपकी लाइन आ रही है यहाँ पर कि इसके सिर में आ रही है, इससे हम ऊपर यहाँ इस तरह से हम इस लाइन को मिला देंगे। और ये आपकी लाइन है इसको हम यहाँ पे मिला देंगे इस तरह से ऐसे इस तरह से। और ये जो आपकी लाइन आ रही है इसको भी हम यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। और इसको भी हम यहाँ पे यहाँ से इसको ऐसे कर्व दे देंगे। इसको हम यहाँ मिलाएंगे यहाँ इस तरह से। अब यहाँ पे भी हम इसको सीधा आगे जाने देंगे। यहाँ से जो है ये लाइन हमारी है इसको हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे। इसको हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे। इसको इस तरह से ऐसे तिरछा मिला देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा ट। अब हमने ठ बनाना है। ठ बनाने के लिए हम इस तरह से 0, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहाँ से यहीं से बना सकते हैं। यहाँ हम यहाँ इसको 0 मान लेते हैं। 1, 3, 4, 5, 6 तो यहाँ से हम लाइन पूरी यहाँ पे इस तरह से। हमें अगर ठ बनाना है ठ हम इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने ट बनाया है। थोड़ा सा इसमें फर्क रहेगा, बस मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ आपका। यहाँ से हमें यहाँ मिलाना है गोलाई में और इसके सीध में ये है। यहाँ हम इसको इस तरह से इसको हम पूरा शेप दे देंगे और यहाँ लेके आएंगे। ये जो लाइन है वो हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। इसको हम यहाँ मिलाएंगे और यहाँ से हम इसको यहाँ लेके आएंगे। यहाँ से हमने ये जो टो है वो यहाँ इस तरह से बनाया था इस तरह से बना। अब हम इसको यहाँ मिला देंगे इस तरह से यहाँ पे इसको मिला देंगे यहाँ इस तरह से। ये हमारा ठ बन जाएगा। आप ठ दो तरह से बना सकते हैं। एक तो आप ठ बनाएंगे इस तरह से, ये देखिए एक ठ मैं आपको और बता देता हूँ। ये आपका जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहाँ से 5। ये आपका जाएगा यहाँ से ये 1, 2, 3, 4, 5 हाँ ये 6 आपका यहाँ पे इस तरह से। ये आपने यहाँ पे इतना ये यहाँ घेरना है और यहाँ पे ये आपने यहाँ से ये आपका खाली रहेगा। यहाँ कहने का मतलब ये है तो यहाँ से आपका ये इतना उठेगा, यहाँ से आपका इस तरह से जाएगा और ये आपका यहाँ से वैसे ही आ जाएगा। और इसके सीध में ये जो है वो ये आपका है तो यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं ये यहाँ से ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। ये जो आपका वो यहाँ कर्व ले लेगा और इसको जो है हमने वो यहाँ मिलाना है। अब हमने क्या करना है यहाँ से ये चीज़ जो पूरी ब्लॉक हो जाएगी हमारी इस तरह से यहाँ पे यहाँ तक यहाँ से यहाँ कर्व दे देगा। ये यहाँ पे हमारा यहाँ कर्व आ जाएगा इस तरह से। और ये यहाँ मिलेगा ये यहाँ मिल जाएगा। इसको हम यहाँ मिला दें इस तरह से भी आप ठ जो है वो बना सकते हैं। तो हमने बनाना है ड। इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि ये आपकी लाइन बीच में आ गई, ये आपकी
नीचे साइड में आती है, बस इतना सा फर्क है, बाकी सेम है। अब आपका है ड, तो 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ से यहाँ और ये यहाँ। अब ये तो आपका बहुत इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से आपका ये यहाँ इस तरह से आ जाएगा, इसको हम जो है वो ऊपर तक ले आएंगे, यहाँ से इस तरह से आपका यहाँ आ जाएगा। ये जो आपका आ रहा है इसको हम सीधा यहाँ मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ तिरछा से ये हमारा यहाँ बन जाएगा, ये इस तरह से। तो इसको हम जो है यहाँ डाउन कर लेंगे, यहाँ बन जाएगा। और अब जो है ये आपकी लास्ट लाइन है, इसको जो है हम यहाँ मिला लेंगे, यहाँ इस तरह से, इस तरह से इसको हम यहाँ ले जाएंगे आगे इस तरह से। कुछ ये आपकी लाइन आएगी यहाँ पे, यहाँ से इसको हम यहाँ मिला लेंगे इस तरह से, ये आपका ड बन जाएगा। हमने बनाना है ढ, 0 1 2 3 4 5 6 ढो से ढोलक हमारा बनता है। ये भी हमने ऐसे ही बनाना है यहाँ से। ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान आपके अक्षर है। यहाँ पे ये हैं, ये यहाँ इस तरह से, यहाँ से ये जो लाइन हमारी है ये हमने यहाँ से सीधी यहाँ मिला देनी है। ये आपकी यहाँ आएगी, यहाँ इसको हमें यहाँ मिलाना है, इसको हमें यहाँ से यहाँ ले के आना है इस तरह से। हम इसको बना देंगे यहाँ से, हम जो है इसको यहाँ से हम इसको आगे ले जाएंगे यहाँ तक, जैसे हम लेके थे इसको यहीं तक यहाँ से बढ़ा देंगे, इतना सा हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ से हम जो है इसको यहाँ कर्व ऐसे दे देंगे, यहाँ से हम इसको यहाँ कर्व देंगे और यहाँ से इसको ऐसे यहाँ मिला देंगे इस तरह से। ये आपका ढा से ढोलक जो है वो बन जाएगा। अब हम बनाएंगे इसमें अणा, अणा हमारा साथ में बनेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ से 6 और यहाँ से ये इस तरह मिल जाएगी लाइन, यहाँ से इस तरह मिलेगी लाइन, यहाँ से हम सिर्फ इतना बनेगा यहाँ से और फिर यहाँ से इस तरह से। तो ये आपकी लाइन है, यहाँ 7 है हमारा, ये पूरी लाइन हमारी डार्क हो जाएगी इस तरह से, ये पूरी लाइन हमारी डार्क हो जाएगी। और जो ये लाइन है हमारी यहाँ तक हम इसको डार्क कर देंगे, ये लाइन, इस लाइन को भी हम यहाँ तक डार्क कर देंगे, इस लाइन को भी हम यहाँ तक डार्क कर देंगे, इस लाइन को भी हम यहाँ तक डार्क कर देंगे। इसको हम यहाँ से ऐसे गोलाई में थोड़ा मिला देंगे, इस लाइन को हम ऐसे आगे ले आएंगे यहाँ से इस तरह से, इस तरह से ये हमारा अण जो है वो बन जाएगा। और इस तरह हमारा ये टवर्ग भी आज बन के तैयार हो गया है। ढा से जो हमारी ढोलक होती है इसमें हम यहाँ पे इस तरह से इसमें बिंदी होती है, हम इस तरह से इसमें बिंदी ऐसे लगा सकते हैं ढा से ढोलक। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया।